दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते पूरे संसार का क्रिकेट बंद है, वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई लगातार क्रिकेट का महासंग्राम यानी आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग डेट को पोस्टपोन कर रही है। लेकिन अब यहां पर आईपीएल 2020 को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जिससे हमें आईपीएल 2020 की एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग डेट एंड शेड्यूल के बारे में बहुत सारी जानकारियों के बारे में पता चल रहा है। और इस वीडियो में हम इस पूरे सिनेरियो के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि आप भी चाहते हैं कि जल्दी आईपीएल 2020 की शुरुआत हो जाए तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी से 4-5 दिन पहले बीसीसीआई ने ट्वीट के जरिए एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंचाई थी। उस ट्वीट को आप स्क्रीन पर बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे होंगे, जहां पर बीसीसीआई ने लिखा था कि आईपीएल 2020 सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस, यानी जब तक भारत सरकार कोई अगला नोटिस या सूचना नहीं देती है तब तक आईपीएल 2020 को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन अब आईपीएल 2020 को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जिसके चलते हमें आईपीएल 2020 के एक्सपेक्टेड शेड्यूल एंड स्टार्टिंग डेट के बारे में पता चल रहा है। जी हां, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि ट्वीट के साथ साथ ही बीसीसीआई यहां पर आईपीएल 2020 को होस्ट करने के लिए लगातार नए नए प्लान्स पर काम कर रही है। और अब यहां पर सूत्रों के हवाले से एक बहुत ही बड़ी खबर आईपीएल 2020 को लेकर निकल कर आ रही है, और बताया जा रहा है कि 15 मई 2020 से आईपीएल 2020 की शुरुआत भारत में हो सकती है। 15 मई से 30 जून के बीच यानी 45 दिनों का यह टूर्नामेंट होने वाला है। और बीसीसीआई के जो विचार है वो यही है कि इस टूर्नामेंट को उन सिटीज में होस्ट किया जाएगा जहां पर फिलहाल कोविड-19 का कोई भी केस नहीं है या फिर पहले केस थे पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, और साथ ही साथ उन सिटीज के अंदर इंटरनेशनल स्टेडियम भी मौजूद है। यहां पर बीसीसीआई के पास काफी ऑप्शंस है, जैसे गोवा है, धर्मशाला है, गुवाहाटी है, काफी अच्छे अच्छे मैदान यहां पर बीसीसीआई को आईपीएल 2020 होस्ट करने के लिए मिल सकते हैं। इसीलिए यही बड़ी खुशखबरी आईपीएल 2020 को लेकर बीसीसीआई की तरफ से निकल कर आ रही थी। लेकिन अब यहां पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत भी है। मुसीबत यह है कि 15 मई से आईपीएल 2020 को होस्ट कराने के लिए अब बीसीसीआई को भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से भारत के हालात लगातार बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं, रोजाना 1500 से 1700 केसेज कोविड-19 के बढ़ते जा रहे हैं, उनको देखते हुए भारत सरकार की तरफ से आईपीएल 2020 को होस्ट करने के लिए अनुमति मिलना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। खैर, यहां पर बीसीसीआई पूरा प्रयास कर रही है कि 15 मई से आईपीएल 2020 की शुरुआत हो जाए। लेकिन अगर 15 मई से आईपीएल 2020 की शुरुआत नहीं होती है तो यहां पर आईपीएल 2020 को बहुत ही ज्यादा पोस्टपोन किया जाएगा। उसको T20 वर्ल्ड कप 2020 की जगह पर भी कराया जा सकता है, क्योंकि उसके भी पोस्टपोन होने पर फिलहाल बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। खैर दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।